नमस्कार, मैं रुचि, स्वागत करती हूं आपका डिजिटल भारत न्यूज में। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। शहर के आधारताल क्षेत्रीय तालाब में छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां व्रतधारी महिलाओं ने सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की। सूर्य उपासना के महापर्व छठ संस्कार धानी में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान आधारताल तालाब में बड़ी संख्या में व्रतधारी महिलाओं ने सूर्य भगवान का पूजन अर्चन किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्रद्धालु भक्तों का कहना है कि छठ पर्व सूर्य उपासना का महापर्व है, जिसमें व्रतधारी महिलाएं प्रातःकाल होते ही सूर्य भगवान को जल अर्पित कर पूजन करती हैं। यह ऐतिहासिक पर्व के रूप में बिहार में मनाया जाता है, लेकिन अब यह पर्व अन्य प्रदेशों में भी मनाया जाने लगा है, जिसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास का भाव श्रद्धालु भक्तों में बढ़ रहा है। विजेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित हैं छठ मैया की पूजा करने के लिए। जो यह पर्व पहले बिहार में मनाया जाता था, लेकिन इसके बाद में यूपी और यूपी के साथ में सभी प्रदेशों में लगभग इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाता है। ग्वारीघाट में भी छठ पूजा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ मुंबई एवं बिहार से आए कलाकारों ने संगीतमय प्रस्तुति दी। छठ पूजा के अवसर पर छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया, लेकिन व्रत करने वाली महिलाओं को काफी परेशानी भी हुई। मौके पर छठ व्रतियों के साथ साथ हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे पहुंचे। भारी भीड़ होने की वजह से घाट पर सीढ़ियां कम पड़ गईं। स्थानीय पुलिस बल, नगर निगम के कर्मचारी सहित अन्य लोग घाट में मौजूद रहे। ग्वारी घाट पर छठ पूजा का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुंबई एवं बिहार से आए हुए कलाकारों ने अपनी मातृभाषा बिहारी में बिहारी गीत गाकर लोगों का मन जीता, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कैमरामैन प्रभात सिंह के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। किया गया, साथ ही सिविल लाइन में पुलिस अधीक्षक की मृत्यु के निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई। सिविक सेंटर में गुलाब गैंग द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का कारण हाल ही में सिविल लाइन में पुलिस अधीक्षक मृत्यु को लेकर था, जो कि लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विगत कई दिनों से चल रहा मामला सिविल लाइन थाने का है, जिसमें एसपी शशिकांत शुक्ला की स्वस्थ कार्यवाही को लेकर व पुलिस प्रशासन के विरोध का गुलाब गैंग ने खंडन करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें गुलाब गैंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत पाल ने कहा कि यदि एसपी ने हाल ही में हुए पुलिस अधीक्षक की मृत्यु पर सही कार्यवाही नहीं करवाई तो गुलाब गैंग के सदस्य उग्र प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे, जिसके चलते एसडीएम कविता को पूरे मामले की जानकारी के साथ एक ज्ञापन सौंपा गया और एसडीएम ने एक सप्ताह की मोहलत मांग कर प्रदर्शन को शांत करवाया, जिसमें उपस्थित ओमती सीएसपी, एसडीएम कविता, गुलाब गैंग की मध्य प्रदेश कमांडर पूर्णिमा, राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत पाल, पिंकी मगदल, प्रीति सहित समस्त गुलाब गैंग के सदस्य मौजूद रहे। अब देखना होगा कि गुजरात के संगठन में कितनी शक्ति है और क्या उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं। कैमरामैन शेख अब्दुल अहमद के साथ वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और उनकी हत्या की जांच कराई जाए, सीबीआई जांच मांगते हैं। और जिस अधिकारी से हमको इतनी बड़ी चिह पैदा हुई है, उसे एसपी को हटाना होगा। शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप अतिक्रमण का अंबार लगा हुआ है। साथ ही विद्यालय के समक्ष कुछ असामाजिक तत्व बैठकर शराब पीकर विद्यार्थियों और शिक्षकगणों को परेशान करते रहते हैं। शहर में स्थित शासकीय श्रवण बाधितार्थ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक गण विद्यालय के समीप हो रहे अतिक्रमण से परेशान हैं। विद्यालय परिसर के समीप चाय एवं पान की दुकानें बनाकर लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते विद्यालय लगने एवं बंद होने के समय जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। विद्यालय के समीप ही कुछ असामाजिक तत्व बैठकर शराब पीते हैं और विद्यार्थियों को परेशान करते हैं, जिसके कारण विद्यार्थी शाला आने से कतराने लगे हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या पर प्रशासन की नजर नहीं पड़ रही। तीस रजक की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि हमारे विद्यालय के पास में कुछ
कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें चाय, पान के गुटके एवं अन्य अंडे के ठेले ये लोग लगा लेते हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण काफ़ी दूषित होता है। इस हेतु मैंने पूर्व में भी पुलिस थाना एवं नगर निगम को इस बारे में पत्र लिखा है कि अतिक्रमण दूर किया जाए, लेकिन अभी तक ये अतिक्रमण दूर नहीं कर पाए हैं। मैं इस अपने चैनल के माध्यम से यही कहूँगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डिजिटल भारत न्यूज़।